हेलो एवरीवन, तो इफ यू वांट टू ज्वाइन कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री और कॉस्मेसिटिकल इंडस्ट्री आफ्टर डूइंग बैचलर ऑफ फार्मेसी और फार्म डी, सबसे पहले बात करते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी के बारे में। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी ज्वाइन एनी कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री विच इज बी फार्म और फार्म डी, बैचलर डिग्री इज एनफ। बट एज यू ऑल नो, सिर्फ एक डिग्री के साथ आप लोग इनमें प्रेफरेबल कैंडिडेट नहीं होंगे। हो सकता है आप लोग को मिनिमम एलिजिबिलिटी पूरा हो, लेकिन आप लोग प्रेफरेबल कैंडिडेट तभी होंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज आइदर आप लोग पीजी डिप्लोमा या फिर डिप्लोमा करो किसी भी कॉस्मेटिक्स के या फिर कॉस्मेसिटिकल कोर्स में। सेकेंड ऑप्शन इज आप लोग मास्टर्स कर सकते हो आइदर एमएससी और एमएस और एम फार्म इन इंडस्ट्रियल फार्मेसी और फार्मास्यूटिक्स विद अ कोर बेस्ड इन कॉस्मेसिटिकल। अगर कॉस्मेसिटिक्स में मिलते हैं एमएस करने के लिए या फिर एमएससी करने के लिए, तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग। अनदर आप कर सकते हो, अगर आप लोग सिर्फ बैचलर के थ्रू जाना चाहते हो, तो किसी भी कॉस्मेटिकल या फिर कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में आप लोग ट्रेनिंग या इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो। अगर आपको ट्रेनिंग या इंटर्नशिप के लिए मौका मिल गया किसी भी इंडस्ट्री में, तो डायरेक्टली वहां से आप लोग किसी भी कोर जॉब में जा सकते हो एज ए कॉस्मेटिक फार्मासिस्ट और एज एन एस्थेटिक फार्मासिस्ट। इसको छोड़कर कौन कौन से जॉब्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जॉब्स हो सकते हैं यहाँ पे। कॉस्मेटिक्स केमिस्ट, एज ए कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरर, एज एन आरएनडी भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। प्रेफरेबली यहाँ पे मास्टर्स एलिजिबल प्रेफरेबल है। एंड आप लोग एज अ क्यूए और क्यूसी डिपार्टमेंट भी ज्वाइन कर सकते हो। एज वेल एज अगर आपको मार्केटिंग में जाना है या फिर कॉस्मेटिक्स मार्केटिंग इंडस्ट्री में जाना है, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेबल है आप लोग एमबीए इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट कोर्स कर सकते हो टू ज्वाइन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। थैंक यू सो मच।